सरहदी पिंड चूड़ीवाला विखे एक अजिहा परिवार रह रहा है जो सारे का सारा परिवार गुरदियां की बीमारी नाल पीड़ित है, जिन्हां विचों तीन बच्चे बचे हैं, जिन्हां विचों एक बच्चा हले भी बीमारी नाल जूझ रहा है। जानकारी दिंदिया पिंड वासियों ने दसिया कि इस पूरे परिवार नूं गुरदियां की बीमारी ने जकड़िया होया है। इन्हां बच्चों विचों मां बाप और ताए की इसे बीमारी नाल मौत हो चुकी है। तीन बच्चों विचों हले भी एक बच्चा गुरदियां की बीमारी नाल लड़ रहा है। फिरोजपुर के सरहदी पिंड चूड़ियां दे रहने वाले लोगों ने दस्या कि इन्हां गरीब बच्चों के सिर ते मां बाप का साया नहीं है, जिन्हां विचों 12 साल एक बच्चा गुरदियां विच पानी भर जाण कारण इलाज खणों मंजे ते विलक रहा है। मां बाप ना होण कारण इन्हां दा इलाज नहीं हो रहा। एक 15 साल बच्चा है जो मजदूरी करके अपने दो छोटे भरावां दा पालन पोषण कर रहा है, पर घर के हालात इन्ने माड़े हैं कि उसका इलाज नहीं करा सकता। यह तीनों बच्चे मंग तंग के रोटी खा रहे हैं। हुण डाक्टर ने छोटे बच्चे के इलाज लई लखां रुपए का खर्चा दस्या है। उन्हां समाज सेवी अते NRI वीरां तों मदद की गुहार लगाई है कि इन्हां बिन मां बाप के बच्चों की वध तों वध मदद की जाए ता जो इन्हां बच्चों का इलाज हो सके। उत्थे ही इस परिवार की बीमारी के शक करदिआं लोगों ने दस्या कि उन्होंने पिंड का पानी बहुत माड़ा है, जिसका असर इस परिवार से पै रहा है। एक एक करके गुरदियां की बीमारी कारण इस परिवार में मौतां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के जिला प्रशासन को चाहिए है कि एक बार इस पिंड का पानी चेक किया जाए ता जो लोग इस बीमारी का शिकार होने तो बच सकन। जे न्यूज पंजाबी लई फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। नील कित्थों दे रहण वाले हो? चूड़ीवाला। की गलबात हुई है? ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੋਈ? ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮੰਮੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਭਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ? 13-12 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ? 100 ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ? रोटी पानी चाचा ताए घरे पका लेंदे। बच्चा नूं बस महीना को माने 15 दिन बुखार चढ़िया सी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਚੜਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ? ਮਾਤਾ ਨੂੰ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਨੂੰ। माता पिता दी भी गुरदियां नाल होई सी। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। हां जी हां जी। की मांग करदे? असीं सहायता मंगदे आ, बच्चे दा इलाज अच्छा होए, चंगे हस्पताल लै जाइए। बच्चे दी 12 साल उम्र आ। असीं कहने समाज सेवा करे साडी, सानूं पैसिआं दी लोड़ है, बच्चे दा इलाज चंगा हो जाए। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਜਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ 'ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਜ ਲੂਜ ਬਥੇਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰੇ।
फिर ये बेचारे बह गए भी पैसा तो है नहीं किधर जाइए पिंड मंग मुंग जिमें कि कोई हरदा है कोई दिती गया कोई सरपंच दिते कोई साडे वर्गे गरीब गुरुबे भी मेहनत मुहनत करते नहीं है जी आते तो फिर घर चोरा ही बेचारा एक एडा कमुंडा हो रे वह दिहाड़ी दप्पा जाता है वह लिया कोई हो पंजा कि दे दे गरीबा उवें लिया के हौदा पत्ता खा लेंदे रोटी पानी बना लेंदे तो कोई मंग मुंग लेंदे पिंड कोई पिंड वाले बेचारे दे दें चल गरीब ने उन्हों की पलछ नहीं है बाथरूम नहीं है किधर जाते कोई चिड़का ही देता है कौन कहें भी साढ़े बार लाछ बाथरूम बह लो ये बेचारे रुदे फिरदे आ गल है इन्हों की कोई जिनी भी किसी तू हो नहीं कराव कोई इनका इलाज बेचारे बच्चे का हो जाए और बेचारे ने की होना नहीं कोई थान नहीं टिकाणा नहीं बेचारे रुद फिर रोटी कोई दे देता है जिमें किसी का गुजारा कोई हो जाता पिंड तुरे जाते कोई नहीं ना करता भी जिंदा पक्की फुलका दे देता भी खा लो जो कोलो आता बेचारा छोटा बच्चा तो घर घर जाता है तो सारे दे देंगे दे रोटी रही भी स्कूल बेचारे जाते जो कोई मगर होता भी कापी नहीं कोई पेन नहीं तो किमें स्कूल जा ताया है ना वही मर गया चाचा ने वही मर गया मगर इन्हों का परिवार ही सारा बुढ़िया है बेचारिया वो आपका महे गुजारा कर दया मेरा ना चिल्लो भाई ये बच्चा बीमार रहा है ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜੀ ਤੇ ਪੀੜੀ ਚੱ
इनू प्रैगम हस्पताल इतों डायलिस करवा लिया, चार बारी करवा लिया। दो तीन भरा ने, एक भरा गया वे बेचारे की करन, आपदे आपे कदी रोटी पका के खा लेंदे, कदी मंग ते खा लेंदे। वड्डा भरा ते अड़ी गया वे। हाँ जी, थोड़ी छोटी उम्र है, 12-13। बेचारा कदी दिहाड़ी जाता रहा, दूजा जड़ बच्चा बेचारा वह भी जाता स्कूलू, आ के किसी को मंग मुंग बेचारा गुजारा करके खवा लेंदे। इवें बस माड़ा मोटा गया सी, कुछ करते रहे। हूँ असं आप जिमें इलाज कराया, मंग मुंगती करवाया, कोई असी मदद की डॉक्टर। हाँ जी, असी इन्हें इलाज होता वधिया हो, नहीं पैसे की कमी करके नहीं हो रहा। हाँ जी, उत्थे तो वाधू आ जाता है, डायलिस तुहानू पता ही है कि खर्चा आई जाता है। बाबा जी, असं ये अपील करना चाहते हैं, वध तो वध इलाज हो, वध तो वध भी सहायता हो ही जाए, जिन्नी भी कोई कर सके वधिया करे सहायता।